को देखिए दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट लगा रहे हैं कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। और देखिए यहाँ से आउटडोर हटा दिया हमने, अब यहाँ से होल कर रहे हैं हम। और देखिए इंडोर उतार चुके हैं हम नीचे में। अब ये विंडो एसी निकाल दिए हैं, इसको किसी और जगह पर मुझे फिट करना पड़ेगा। चलो फिट करते हैं। गाइज वेलकम टू द माई न्यू वीडियो। तो डिस्प्ले सेशन नहीं आ रहा यार, एक मिनट। तो अब साफ साफ आने लगा। तो यार आज एक स्प्लिट एसी, एक विंडो एसी उतारना है और एक विंडो एसी को इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ूंगा। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट मारिए, बाकी वीडियो को लाइक करिए। चलो वीडियो देखते हैं। देखो यार, यही वाला वो डाइकिन कंपनी का स्प्लिट एसी है, ठीक है। इसको अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और आउटडोर चल नहीं रहा है। देखो यार यहाँ इसका कंप्रेसर खराब है। तो आउटडोर का कनेक्टर तो यार ठीक है, ऊपर से इसका जो देख सकते हो यहाँ पे चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें गैस जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। पर इसका तो आउटडोर चल नहीं रहा है, तो हम एक बार इसको चलाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं चलेगा तो हम कस्टमर को बोलेंगे गैस उड़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अनइंस्टॉल होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर एक बार चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर से डायरेक्ट शॉर्ट लगा करके हम चालू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर कंप्रेसर सही रहेगा ना तो वो चल जाएगा ये एसी, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे चिंगारी उड़ रहा है यार थोड़ा, ये चल नहीं रहा दोस्तों, इसका ना कंप्रेसर ख़राब है। तो ये चलेगा नहीं तो हम कस्टमर से बात करेंगे इसको लेकर के। ये एसी अनइंस्टॉल तो हो जाएगा पर गैस उड़ाना पड़ेगा आपको, दोबारा गैस रिफिल करना पड़ेगा, दूसरा इसका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। पर हम चेक नहीं करेंगे, हम तो आए हैं एसी अनइंस्टॉल करने के लिए। तो चलाना तो है नहीं, चलाना रहता तो हम क्या करते हैं, इसको हम चलाते हैं, पता करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर खराब है, कैपेसिटर खराब है या कंप्रेसर खराब है। तो खैर यहाँ पे हमें निकालना है। और इधर का मैं बिल्डिंग शिल्डिंग सब दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक कंपनी है, बड़ा अच्छा लगता है इधर, कंपनी है यार, मतलब सही है यार। खाली खाली जगह है, भीड़ भाड़ इलाका नहीं है उतना। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत कोशिश कर ली दोस्तों, अब ये हो नहीं पाएगा तो हम इसको गैस उड़ा देंगे यहाँ से। तो देखें यहाँ पे जो गैस है इसमें, उसको हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो ऑयल वगैरह भी निकल रहा है धीरे धीरे। अबे बड़ा वाला लिया, एक ही को लाया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब इसका पाइप खोल देंगे, जो सेक्शन डिस्चार्ज का वाल है उसको हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये भाई डायरेक्ट निकालना है यहाँ पे, इतना सारा गैस है इसी में, पूरा कंप्लीट गैस है। देखो मैं उड़ाता हूँ अभी, देख रहे हो गैस भरा हुआ है, पर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्या करें, तो गैस उड़ाएंगे। बगैर गैस उड़ाए तो अनइंस्टॉल होगा नहीं, देख सकते हो धुआं धार जा रहा है। गैस तो 2.5 किलो या 2 किलो गैस होगा, क्योंकि ये बाप रे बाप। नहीं नहीं इसमें 1 किलो गैस होगा, क्योंकि ये 1.5 टन गैस है ना, 2 टन गैस में 1.5-2 किलो गैस पड़ता है। पूरा गैस धीरे धीरे उड़ा देते हैं हम, देख रहे हो वहाँ कितना रफ्तार से निकल रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर गैस को हम स्टोर नहीं कर सकते तो हम उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद हम अनइंस्टॉल करेंगे। और इसकी मार, तो चलो यार अब जाते हैं। देखिए यहाँ पे आउटडोर कनेक्शन हटा दिया, पाइप वगैरह सब निकाल दिए हम यहाँ से। अब इसका जो यूनियन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका यूनियन है जो बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम स्लाइडिंग से खोल के पाइप को अलग कर देंगे, फिर इंडोर को निकालना है, तो इसीलिए हमें अलग करना पड़ेगा इसको। देख सकते हो आउटडोर पूरा हटा दिया है, अब बीच पाइप हटा दिया, दोनों पाइप हट चुका है। अब थोड़ा इसको यहाँ से होल कर लेते हैं ताकि पीछे से इंडोर को खींच ले। तो देखिए दोस्तों इंडोर को उतार दिया हूँ मैं, देखिए यहाँ पर पूरा इंडोर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्लेट है वो प्लेट खोलेंगे यहाँ से, वरना नहीं भूल जाओगे तो दीवारे में लगा रहेगा। तो मैंने बोला था एक विंडो एसी अनइंस्टॉल करना है, तो चलो ये विंडो एसी अनइंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो नीचे से कवर ऐसे उठाएंगे, उसके अलावा इसमें एक पेच होगा, फिर यही विंडो ऐसे मुझे दूसरी जगह पर इंस्टॉल करना है, ठीक है, दूसरी जगह पर लगाना है। यहाँ से उतार करके किसी दूसरी कंपनी ले जाना है, वहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले तो उसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक पेच होता है, पेच नहीं खोलोगे टूट जाएगा, ठीक है। तो ये पेच देखो यहाँ पे खोल दिया हूँ, अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये निकल गया बड़ी आसानी से, अब एसी को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो देखिए दोस्तों ये निकल चुका है विंडो एसी, अब इसको दूसरी आप हम ले जा रहे हैं। अब ये कवर भी खोल लेंगे, ठीक है, ये सब जितना भी पेज वगैरह है सब खोल लेते हैं, फिर इसको दूसरी आप ले जा करके वहाँ पे लगा देंगे हम। वहाँ पे कैबिनेट लगाना है, फिर एसी लगा देना है, सिंपल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एसी इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ये कवर फिट कर दिया है। अब इसमें हम जो एसी लाए थे वो लगा देंगे हम। तो देखिए एसी लग चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हमने बढ़िया तरीके से। ये दूसरा जगह पे देख सकते हो, यहाँ पे लकड़ी पे लगा हुआ है, नया नया लकड़ी फिट हुआ है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट लगा दिया ये दूसरे एसी। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।